नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम सुजलोन एनर्जी शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में किस टाइप का प्राइस एक्शन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इस स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए क्वेरी था यहाँ पे अरुण जी का। आपके स्क्रीन के सामने अभी जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है सुजलोन वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट हम क्यों यूज करते हैं? आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड रेशियो चार्ट को लेकर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो चैनल में अपलोड है, उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ वीकली, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि रेशियो चार्ट जब भी आप यूज कर रहे हैं हमेशा से कोशिश कीजिएगा वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में उसका ब्रेकआउट या मल्टीयर का सपोर्ट को फाइंड करने के लिए। देखिए, फर्स्ट प्राइस जो है ना, यहाँ पे 2006 से 2008 के बीच में यहाँ पे एक बेस बनाया था एंड बेस के यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था 2008 में। ओके, ब्रेकडाउन आने का मीनिंग क्या है कि सुजलोन एनर्जी निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर सकता है। देखिए, क्लियर कट यहाँ पे 2008 में ब्रेकडाउन के बाद अभी तक देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है। देखिए, 2023 का ब्रेकआउट तक प्राइस कभी भी ना, देखिए बेस कभी भी नहीं बनाया है। यहाँ पे बाउंस हुआ था 2009 में, लेकिन ये बाउंस था। देखिए, जब भी बाउंस हो रहा था बाउंस था, कभी भी प्राइस ने बेस कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। फाइनल जाकर देखिए 2023 में यहाँ पे एक बेस कंस्ट्रक्ट किया था एंड जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। इसका साइन क्या है? जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद 2008 में ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद सुजलोन एनर्जी निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म किया था। एग्जैक्टली अभी उसका अपोजिट 2020 से 2023 का यहाँ पे बेस है एंड बेस का यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। इसका मीनिंग ये कि आने वाली कुछ ईयर कुछ मंथ तक यहाँ पे सुजलोन एनर्जी निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है, जो कि आप यहाँ पे क्लियर कट रेशियो चार्ट पे देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे जो दोनों में डॉटेड ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, ये हो गया डाउन ट्रेंड चैनल। प्राइस देखिए डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे बेस के साथ ब्रेकआउट किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। 2008 के बाद फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे 2022-23 का बेस का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। क्लियर कट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ ईयर कुछ मंथ तक यहाँ पे सुजलोन एनर्जी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी 500 को। ये अभी तो हमको समझ में आ गया कि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट एंड रिवर्सल अभी देखने को मिल रहा है सुजलोन एनर्जी में। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा जोन में हमको एंट्री करना है। देखिए, पहला तो काम हो गया, आपको बुलिश स्ट्रक्चर ढूंढना है, जो कि रेशियो चार्ट में अभी आपको कंफर्म हो गया है कि सुजलोन एनर्जी बड़ा मूवमेंट आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम आ सकता है। लेकिन आपको एक लो रिस्क जोन में ढूंढना है, जहां पे कि आपका रिस्क लो रहेगा एंड रिवार्ड हाई रहेगा। देखिए, रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं कि एक स्टॉक का प्राइस 200% मूव ऑलरेडी कर चुका है तो आप वहां पे एंट्री कर लेंगे विदाउट एनी कंसल्टेशन में। वो गलती होगा, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है ना वाइड रह जाएगा। इसलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ सुजलोन का चार्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद आप क्लियर कट यहाँ पे समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, सुजलोन का चार्ट स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे बेस का एक ब्रेकआउट आया है। तो देखिए, सुजलोन का यहाँ पे बेस था, क्लियर कट देखिए यहाँ पे था डाउन ट्रेंड, जो कि ब्लैक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया प्राइस स्ट्रक्चर सुजलोन का। प्रीवियसली जो देख रहे थे वो रेशियो चार्ट था सुजलोन वर्सेस निफ्टी 500 का, लेकिन ये जो ओपन किया हूँ सुजलोन का प्राइस स्ट्रक्चर। देखिए, जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था, प्राइस उसको यहाँ पे 2021 में ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद देखिए प्राइस ने एक बेस बनाया था यहाँ पे 2022-23, इस वन ईयर का यहाँ पे बेस था एंड बेस को यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है एंड जो बेस का रेजिस्टेंस लेवल था 12 के आसपास एंड अभी करंट प्राइस चल रहा है 20 के आसपास। देखिए, सुजलोन का जो मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड था अभी के लिए तो हाई प्रोबेबिलिटी के खत्म हो गया है। अगर किसी भी रीजन की वजह से पुल बैक आता है, उसका अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। देखिए, मेन फोकस है आपको सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। अगर स्टॉक का प्राइस पुल बैक नहीं दे रहा है, जाने दीजिए ना, आपको इस टाइप का सेटअप दूसरे स्टॉक में देखना है।
जहां पे स्टॉक को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर कीजिएगा। अगर उसका मल्टी बेस का ब्रेकआउट आ रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद क्लियर कट साइन ए है कि वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ ईयर तक। देखिए जैसे कि स्टॉक का प्राइस लास्ट 12-13 ईयर से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड फर्स्ट टाइम 2020-23 का जो बेस था ना, उसी बेस को प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि बहुत टाइम तक, मैं बोल रहा हूँ 1-2 ईयर तक शायद स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है अगर कभी भी मार्केट का गिरावट में, नहीं तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज प्राइस कंसोलिडेशन कर देता है, उसी टाइम आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर मैं अभी बॉटम से देखूंगा तो देखिए यहाँ पे 2023 अप्रैल में प्राइस था 7, अभी चल रहा है 21, लगभग यहाँ पे ट्रिपल हो गया है, तो प्राइस कभी भी यहाँ पे पुल बैक या टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो सकता है, उसी का फायदा ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं कि आपको ये स्टॉक ही बाय करना है, इस टाइप का सेटअप को आप दूसरे स्टॉक भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा तो कभी भी आप मोमेंटम लाइन के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक मोमेंटम लाइन ड्रॉ करेंगे तो मोमेंटम लाइन बन रहा है 12 के आसपास, ये सबसे बेस्ट लो रिस्क जोन बन रहा है इसी स्टॉक में। उसके साथ अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए लगातार लास्ट 5 क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए एक चार्टिस्ट को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर एंड कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। देखिए बाकी जो राशियों वगैरह वो फंडामेंटल एनालिसिस को करने दीजिएगा। अगर आप जाकर HDFC बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, नहीं तो इन्फोसिस का जाकर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, खुद का ही टाइम वेस्ट है, क्योंकि वह बड़ा बड़े दिग्गज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा औकात ही कुछ नहीं है वहाँ पे जाकर उस टाइप का स्टॉक को एनालिसिस करने। अगर आपको एनालिसिस करना है फंडामेंटली तो आप छोटा मोटा कंपनी को डीपली एनालिसिस कर सकते हैं, वो काम में आ सकता है, लेकिन HDFC बैंक को एनालिसिस करने का कुछ मीनिंग ही नहीं है। एंड अगर आपके रडार में कुछ स्टॉक है जिसका मल्टीयर का बेस को प्राइस ब्रेक कर रहा है तो आप वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुत ही अच्छा एक मल्टीयर का ब्रेकआउट राशि चार्ट में देखने को मिला है, तो बड़ा मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी है आने वाले टाइम में, लेकिन लो रिस्क जोन में एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। आइदर प्राइस टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो सकता है, नहीं तो प्राइस वाइज कर सकता है, दोनों में कुछ होगा वहां पे आप देख सकते हैं। एंड हमेशा से वीकली टाइम फ्रेम में जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा वहां पे आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड के लिए जो वीकली टाइम फ्रेम में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है नियरली बिलो 6.5 के नीचे, तो देखिए इस लेवल से अगर आप एंट्री करेंगे तो रिस्क आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका तरीका क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मैटर करता है मेरा एग्जिट पॉइंट। अगर मेरा एग्जिट पॉइंट बड़ा हो जाता है उसी केस में मैं आइदर क्वांटिटी को बहुत ही लो कर लेता हूँ, नहीं तो मैं वेट करता हूँ। अगर स्टॉक जा रहा है तो जाने दीजिए, तो आपका जो स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट का क्वांटिटी मैनेजमेंट का उसको फॉलो कीजिएगा। मेरे लिए मेरा कैपिटल सेविंग मोर इम्पोर्टेंट है। अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है कुछ इशू नहीं है, लेकिन मेरा कैपिटल नहीं जाना चाहिए, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसी केस में भी नहीं तो दूसरा स्टॉक में भी हमेशा से कोशिश कीजिएगा आपका बड़ा लॉस किसी भी स्टॉक में नहीं जानेगा। अगर अभी आप देखेंगे ना आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है 70% के आसपास, तो इसीलिए मैं इस लेवल पर कंसीडर नहीं करूँगा। अगर नीचे आएगा जैसे कि 12 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा 45% के आसपास, वो मैनेजेबल है, लेकिन 70% बहुत ही वाइड स्टॉप लॉस होता है किसी भी स्टॉक। अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ बेस्ट बना देगा तो यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, फिर से प्राइस को ऊपर जाने दीजिएगा, जो भी बनेगा उसी टाइम में आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस है स्ट्रक्चरल ट्रेंड का चेंज होना, जो कि अभी के लिए साइन दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ डिटेल्स एनालिसिस से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।